नमस्कार, बिजनौटक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन का गुरुवार को सपा कार्यालय बिजनौर में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2020 में सपा की सरकार बनाने के लिए अभी से जी जान से जुटने का आह्वान किया। दरअसल गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राशिद हुसैन ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2022 के चुनाव के लिए अभी से कमर कस लें, प्रदेश में फिर से सपा की सरकार बनानी है। प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश व मूलचंद चौहान, विधायक मनोज पारस, तस्लीम अहमद व नईमुल हसन, कमरुल इस्लाम, गजेंद्र देवल, लाखन पाल, राधा सैनी, श्लोक पवार व अखलाक पप्पू आदि मौजूद रहे। और जो आदरणीय राष्ट्रीय जेटी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मेरे साथ साथ जिले के और भी सभी जिलों पे बहुत मंथन करने के बाद जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक उद्देश्य है और उनके साथ साथ सभी समाजवादी पार्टी के लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जो 2022 में जो सरकार चुनाव होने वाले हैं, उस 2022 में जो ये जुल्म और ज्यादतियों की सरकार है, जो काम करने के नाम पे जीरो और सांप्रदायिकता फैलाने पे नंबर एक पे है, इस सरकार को उखाड़ फेंक कर हमें, जैसे 2012 में हमारी लोकप्रिय सरकार की समाजवादी पार्टी की, उसी सरकार को वापस लाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का जो वकार और इज्जत इस सरकार में खोई है, जो खेस पहुँची है लोगों को, वो वापस इज्जत और वकार लाना है और इससे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रदेश हम लोगों को बनाना। कमान सौंपते हैं आपको, क्या क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी? जैसे प्रदेश में विपक्ष खत्म सा होता जा रहा, तो आप क्या करेंगे? प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में बुलाया गया था। देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो विधानसभा पे उन्होंने विरोध किया, सब लोग वहाँ और डट के हमारे विधायक को विरोध। उसके बाद देखिए, हम सब लोग पहले भी विरोध कर रहे थे और आगे भी विरोध करेंगे। इससे निजात सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दिलाएगी और किसी भी पार्टी को पसंद नहीं। और लखनऊ में विधानसभा में उठाए और जिन निर्दोषों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे उनके लिए भी ये डीजीपी, गृह सचिव, जो मतलब कानूनी होती उसमें ये लोग लगे, आम कार्यकर्ता सबको चार्जशीट में आपका नाम है, कार्य का नाम है, सबके नाम।